एरिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप मेजर सेक्टर का एरिया बताएं, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आप सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बताइए जी, इमरान क्लियर है सभी को? तो यस सर। जी सर। उसके बाद इसी में अगर मान लीजिए मुझसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाए, तो ये यहां से लेकर और यहां तक ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। मतलब बेटा ये वाली, ये जो इतनी आर्क है ना, इस आर्क की लेंथ बतानी है। ठीक तो ऑब्वियस की बात है, ये छोटी आर्क हो गई और ये वाली जो आर्क है यहां से लेकर और यहां तक, ये वाली हो गई हमारी मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, ये हो गया। उसके बाद अगर लेंथ निकाल लिया मेजर आर्क की, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क देखिए, पूरे सर्कल की अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो पूरे सर्कल का एक्सटीरियर लेंथ आ जाएगा। तो अगर पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस में से मैं माइनर आर्क की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेजर आर्क की लेंथ आ जाएगी। बताइए। हाँ जी सर। बताओ, हर्षित समझ गया? ठीक यस सर। है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एक तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं सेगमेंट की, अगर बात करी जाए तो हो गए सेक्टर। तो सेक्टर में लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाल लिया, सेक्टर में हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया। एरिया का ये फॉर्मूला हो गया, लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लीजिए हमसे सेगमेंट की बात करी जाए, तो हम ये देखेंगे कि सर्कल के अंदर सेगमेंट क्या चीज होती है। सेगमेंट ये हमने सर्कल बना लिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब मान लो ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड के इधर वाला जो एरिया है, कॉर्ड के इधर वाला जो नीचे वाला एरिया है, ये हमारे लिए हो गया बेटा माइनर सेगमेंट। इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला एरिया बच रहा है, इस बड़े वाले एरिया को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब ये सर्कल का सेंटर है, वो इससे मैंने कॉर्ड के इस वाले एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस सेंटर से कॉर्ड के दूसरे वाले एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये इसका रेडियस हो गया आर, ये रेडियस हो गया आर, और ये कॉर्ड हो गया ए बी। तो अगर मान लीजिए मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर का एरिया और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को सेपरेट कर देंगे, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बताइए, समझ में आ गया कि अगर
इधर मतलब ये सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया मतलब ये जो इतना जो टुकड़ा बचा हुआ है सर्कल का, इस टुकड़े का एरिया इस पूरे का, और इस पूरे में से आपने ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला बच जाएगा, बताइए समझ गए? हाँ जी सर। दीपांशी क्लियर है? यस सर। ठीक है, हाँ जी बताइए सर, ये वाला दोबारा बता दीजिए। हाँ दोबारा बता रहा हूँ, देखो ऐसा होता है, ये सेक्टर का मतलब हो गया बेटा, सेक्टर का मतलब हो गया ये इतना, यहाँ से O से A तक, फिर A से B तक ऐसे कर्व पाथ में ट्रैवल करेंगे और फिर O से B तक, ठीक है? तो ये जो इतना टुकड़ा होगा ना, पूरा का पूरा जो टुकड़ा है ये, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। और अगर इसमें से ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो सिर्फ यही तो बचेगा शेडेड वाला। तो इस ये शेडेड वाला बचा, इसी को मैं सेगमेंट बोल दूंगा। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, आप सेक्टर में से ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बताइए समझ गए? यस सर। हम बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of minor sector minus area of triangle OAB, area of triangle OAB, बताइए जी समझ गए? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब किसी को नहीं आया समझ में, दोबारा तो नहीं बताना, बताओ, सभी को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। अब अगर मैं माइनर सेगमेंट के एरिया है तो मैं मेजर सेगमेंट का निकालना चाहूँ तो वो बेहद आसान है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर सेगमेंट बच जाएगा, ये पूरा इस कॉर्ड से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ये पूरा मेजर सेगमेंट है, कॉर्ड के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोलिए, सभी बच्चों को क्लियर है ना? यस सर। हां जी सर। यस सर। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पेज नंबर 228 पर है, ऊपर एग्जांपल नंबर 2। पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 2 अभी देखते हैं, बस एक मिनट रुकिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है और एंगल दे रखा है बेटा 30 डिग्री,
रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ओ ए बी ऐसे बोल दीजिए आप, मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to theta upon 360 into pi r square. Theta है 30 degree, 30 degree upon 360 degree multiplied by pi होता है 22/7. Sorry, यहाँ पर दे रखा है कि pi को use करना है 3.14. तो pi की value 3.14 और radius है 4, तो 4 का square 30 12 सा नीचे तो आ गया 12, वन अपॉइंट 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, ठीक है. और अब आप इसको 3.14 और 4 को मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल दूंगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर. बताइए जी क्लियर है ना? यस सर. उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करिए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया 4.18 अभी अभी कैलकुलेट करा है. पाई का मतलब 3.14, रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 4.18. 3.14 multiplied by 16 minus 4.18. 16 4s are 64, 6 carry, 16 ones are 16 or 6. 22, 2 carry area, 16 3s are 48 or 2, 50.24 minus 4.18. 40 minus 8 is now 6. Yahan bachega 1, 1 minus 1, 0. फिर इधर बचा हमारे पास 50 माइनस 4, 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर. बताइए जी सभी को क्लियर है? यस सर. है ना, 46.06 को इन्होंने अप्रोक्सीमेट कर दिया 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया. बताइए सबको क्लियर है तो आगे चलें. हां जी सर. यस सर. अगला देखिएगा, अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमसे पूछते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर 12.9. इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7.
ये वैल्यू दे रखी है कितनी 120 डिग्री, ठीक है, और रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, रेडियस आर, इधर भी रेडियस आर। सर ये क्वेश्चन तो कट गया ना, क्या कह रहा हूँ सर, 120 डिग्री वाले क्वेश्चन तो शायद कट गए। 120 डिग्री वाला क्वेश्चन कट गया है शायद, मैम ने तो यही कहा था हमारी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कर लो, आपको आसान लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये मतलब मेरे को क्या करना है इसमें, ये जो सेक्टर है ना मेरा सेक्टर, इस सेक्टर में से मुझे मेरे को निकालना ये है सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखिए कितने आराम से निकलता है, और हो सकता है ये सिलेबस में से कट गया हो, लेकिन आप समझिए इसको, जरा भी मुश्किल लगे तो छोड़ देना, जबकि आपको मुश्किल लगेगा नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल को पहले सर्कल से बाहर निकालकर एक बार ड्रॉ कर लूंगा। देखो हमने इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर लिया, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, बेटा ये भी आर है रेडियस, ये भी आर है ना दोनों साइड, बीओ और बीओ की लेंथ कितनी है उसके रेडियस के बराबर, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिएगा कि जब मुझे किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल दे रखी होती है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल दे रखी होती है, तो इसका मतलब एक आइसोसेलस ट्रायंगल होता है। तो हम कहेंगे ट्रायंगल एओबी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, और आइसोसेलस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें जो ये इसका वर्टिकल एंगल होता है 120 डिग्री जो दे रखा है, अगर वर्टिकल एंगल से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है प्लस इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब मैंने अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं चलिए सी, तो ये 120 डिग्री था ना, तो बेटा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये बता दीजिए ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। बताओ हर्षित इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब मेरे पास ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल आ गया है तो मुझे ये 90 डिग्री वाली लाइन दिखाई दे रही है, तो एक तो मुझे ये पता चल जाए OC, OC क्या हो जाएगा हाइट, और A से लेकर B तक की लेंथ पता चल जाए AB, तो AB क्या हो जाएगा बेस, तो हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे एरिया निकल जाएगा। और ये कितनी आसान तरीके से निकलता है, आपको कुछ नहीं करना, जब आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो आपके पास एंगल क्या क्या आ गया 60 और 60, तो आप चाहे तो इस ट्राइंगल में और चाहे इस ट्राइंगल में आपका जहां मन करे आप वहां पर cos 60 और sin 60 की वैल्यू निकालेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना, सिर्फ cos 60 की वैल्यू निकालनी है और sin 60 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने कहा ये जो OC है इसको मैंने बोल दिया बेटा हाइट h, और a से लेकर c तक जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया x, सिमिलरली c से लेकर b तक जो लेंथ है इसको भी x बोल दिया, तो टोटल मेरा बेस कितना हो गया 2x। ठीक, मैं क्या करता हूं कि ट्रायंगल OCA इन ट्रायंगल OCA आप यहां पर पहले निकालो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब क्या होता है कि जब हम साइन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एंगल होता है ना, जैसे मैं 60 डिग्री निकाल रहा हूं तो उसके ठीक सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं, तो 60 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या हो गई AC, AC मेरे लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये कहूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन AO, AC अपॉन AO। अब AC कितना है x, sin 60 डिग्री होता है बेटा √3/2, √3/2, और AC कितना है x, ठीक है, और ये जो AO है ये r यानी कि 21। ठीक, तो यहां से मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू,
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x is equal to 21 root 3. 2x is equal to 21 root 3. तो x कितना हो गया 21 root 3 upon 2. तो ये जो लेंथ है पूरी की पूरी AB, ये कितनी हो जाएगी 2x. भाई पूरी लेंथ कितनी है x plus x यानी कि 2x. AB is equal to 2x यानी कि 2 multiplied by 21 root 3 upon 2, 2 से 2 कट गया तो AB की लेंथ आ गई बेटा 21 root 3 सेंटीमीटर. उसके बाद देखिए अब ये मैंने क्या निकाला था sin 60 डिग्री, अब मैं निकालूंगा cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड तो हो गई परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो बचा वो बेस यानी कि OC. OC हो गया मेरा बेस. तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू OC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AO. cos 60 डिग्री होता है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू OC कितना है H और AO कितना है 21. तो 21 2H इज इक्वल टू 21. इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई 21 अपॉन 2. ये तो AB हो गया और ये हमारा हाइट हो गया. तो AB क्या हो गया बेस और h क्या हो गया हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, और हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना बेटा बेस है AB और हाइट कितना है OC. हाफ AB कितना निकाला मैंने 21 रूट 3 और OC यानी कि H ये कितना 21 अपॉन 2. तो 21 इंटू 21 हो जाता है 441 अंडर रूट 3 और 2 into 2 हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. पहले बताओ कितना समझ में आ रहा है कि नहीं, जो एरिया निकाला है ट्रायंगल का ये सभी को क्लियर है कि नहीं ये बता दीजिए. यस सर. बताओ हर्षित क्लियर है? यस सर. ठीक है हर्षिका तुम बताओ. यस सर. ठीक है तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास बस एक काम बचा है, ये ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाल लिया, सेक्टर का एरिया निकालो और उसमें से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दो, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, इधर कर रहा हूं इन्होंने पूछा है हमसे कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी मतलब यहां पर कहीं पर एक पॉइंट दिखा दिया इन्होंने वाई बी, वाई मतलब ए से बी तक वाई के थ्रू होते हुए ए से बी तक पहुंचना है. तो इस वाले सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी. एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 यानी कि 120 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी 441 रूट 3 अपॉन 4 जीरो से जीरो कट गया 12 3 जा 36 तो ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस रेडियस ले रखा है 21 तो 21 का स्क्वायर यानी कि 21 into 21 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4 7 3 का 21 3 से 3 कट गया 22 into 21 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 6 462 हो गया
462 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4 एलसीएम ले लो। अच्छा आंसर क्या दे रखा है इसका, रूट 3 की वैल्यू डाल रखी है क्या इन्होंने? नहीं, इसी तरह से निकाल रहा है आंसर। तो इन्होंने क्या करा, यहां से ना 21 ले लिया कॉमन इन दोनों में, वही 21 यहां पर भी, और 441 क्या होता है 21 का स्क्वायर, तो 21 कॉमन ले लिया, 21 यहां बचेगा 22 माइनस 21 रूट 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर है? हाँ जी सर, सभी को क्लियर है? इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने डिनोमिनेटर में ना 8 ले रखा है कॉमन, वो क्या कर रहा है इन्होंने, ये एलसीएम लेकर यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 8 आ गया ना, हमारा भी ठीक है उनका भी ठीक है। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर। इन्होंने 21 अपॉन 4 ले रखा है कॉमन, तो उसी तरीके से है। चलिए जी एक्सरसाइज उठाते हैं 12.2, बस एक मिनट रुकिए पानी ले लो जरा। चलिए जी एक्सरसाइज देखते हैं जरा। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, 12.2 का पहला क्वेश्चन। विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कर लेंगे अपने आप। यस सर, हां। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि क्वार्टर सर्कल की बात कर रही है, ये क्वार्टर सर्कल की बात कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि फिर क्वार्टर सर्कल है तो क्वार्टर सर्कल किस तरीके से निकाला जाएगा। क्वार्टर सर्कल मतलब भाई अगर सर्कल को पूरा घुमा दें, मैं इसका सिर्फ फिगर बना रहा हूँ और क्वेश्चन क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे, मैं सिर्फ फिगर बना के समझा रहा हूँ आप लोगों को, इधर कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल है इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है, तो क्वाड्रेंट का मतलब बेटा 90 डिग्री एंगल होता है ना, क्वाड्रेंट का मतलब एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, क्वाड्रेंट मतलब ये। तो इन्होंने बोला उस सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, गिवन कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू, बताइए छोड़ दो इसको। यस सर, जी सर, ठीक है मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको अपने आप करिएगा।
मतलब मेरे पास रेडियस आ जाएगा एंगल कितना 90 डिग्री, आराम से निकाल लेंगे 90/360 × πr² r मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, क्लॉक है, तो ये पूरी क्लॉक है रखी है। अब तुमने बोला लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मिनट हैंड मान लीजिए यहां पर था ये है मिनट हैंड, इसकी जो लेंथ है बेटा ये 14 सेंटीमीटर दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट का मतलब क्या, ये 12 से ये मिनट एक बार आ जाती है 1 पर, तो इतनी देर में जो ये एरिया स्वीप कर रहा है इसने, ये एरिया बता रहा है मुझे, मुझे ये वाला एरिया बताना है, आप लोग समझ गए? हाँ जी सर। एरिया बताना है तो ये एरिया एक तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेक्टर नजर आता है, जैसे सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया हो गया, यस सर, है ना। तो ये मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है तो मुझे एंगल पता होना चाहिए कि 5 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एंगल स्वीप करा, तो हम कहेंगे एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन इन 60 मिनट्स यानी कि एक घंटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, मिनट हैंड जो है एक घंटे में पूरा का पूरा चक्कर अपना कंप्लीट कर लेता है, यानी कि मिनट हैंड एक घंटे में पूरा 360 डिग्री एंगल घूम जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री घूमता है तो एक मिनट में कितना घूमेगा, तो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, ये 60 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5 मिनट में कितना एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री हो गया। तो अब 30 डिग्री में आपको ये तो एरिया है, ये एरिया बताना है, तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो हो गया, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, देयरफॉर एरिया स्क्वायर in 5 minutes, area swept in 5 minutes is equal to क्या होता है theta/360 यानी कि 30/360 multiplied by pi r square 22/7
तो रेडियस कितना, ये तो लेंथ है अपने टेंट की, ये तो रेडियस हो गया 14 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 312 का 36 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 22 को अपॉन 7 4 3 जा 12 सॉरी 2 6 जा 12 2 11 का 22 और ये हो गया 14 इनटू 14 7 2 जा 14 2 3 जा 6 डिनोमिनेटर में तो 3 और न्यूमरेटर में क्या हो गया 11 2 जा 44 4 कैरी आ गया 11 1 जा 11 और 4 15 तो 1 by 4 upon 3 इसको डिवाइड करिए 3 5 जा 15 3 1 जा 3 4 minus 3 कितना हो गया 1 1 0 10 हो गया 3 3 जा 9 बेटा ये हो गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए समझ गए सभी बच्चे ठीक है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार इसका आंसर देख लीजिए 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यस सर सही है 154 अपॉन 3 उन्होंने 154 अपॉन 3 दे रखा है अपने पॉइंट्स में निकाल लिया तो दोनों ठीक है उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार ये ड्रॉ कर देता हूं और मैं पूरा नहीं करूंगा इसको मैं बोल के बस समझाऊंगा आपको करना कंप्लीट आपको है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एक सर्कल दे रखा है उस सर्कल की जो कॉर्ड है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर तो कॉर्ड की लेंथ कितनी है वो मुझे नहीं पता उसको छोड़ो आप ये देखिएगा कि सर्कल दे रखा है ये और यहां पर जो कॉर्ड है ना वो सेंटर का एंगल बना रही है 90 डिग्री मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है अब आपने कॉर्ड को मान लिया ए बी ये हो गया ओ ठीक है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है इसका 10 यानी कि ओए भी 10 है और ओबी भी 10 है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट कौन सा हो गया बेटा ये वाला तो आप ये देख लीजिए वो जो साइन थीटा और कॉस थीटा वाला हमने फंडा यूज करा था ना हमें वो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर रीजन क्या है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी ये राइट ट्राइंगल बन रहा है और राइट ट्रायंगल में हमारा ये हो जाएगा बेस हो जाएगा ये 10 और ये वाला 10 हो जाएगा हाइट तो हाफ बेस इनटू हाइट हाफ 10 इनटू 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल लोगे 90 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर करके यस सर पाई को लेना है 3.14 ठीक तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया आपको सबट्रैक्ट कर देना बताइए हो जाएगा हां जी सर ठीक और फिर इन्होंने बोला है कि हमको इसका मेजर सेक्टर की भी एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा ये पूरा का पूरा माइनर सेक्टर हो गया पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को सबट्रैक्ट कर दो तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा छोड़ दो इसको कर लेंगे यस सर यस सर बताओ सक्षम कर लोगे सक्षम और रहे बताइए हो जाएगा यस सर ठीक है फॉर हो जाएगा यस सर चलिए जी ठीक है उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सेकंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मड बाय द आर्क और थर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मड बाय द कोरेस्पोंडिंग कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर तो
एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। O, A और B। अब आप ये देखिएगा कि जो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो AO भी 21 और BO भी 21, AO और BO दोनों की वैल्यू 21 21 आपको दे रखी है, ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मुझे इस आर्क की लेंथ बतानी है, ए बी की लेंथ बताइए, निकाल लेंगे। यस सर। थीटा दे रखा है, आर दे रखा है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, ये मैं छोड़ रहा हूं अपने आप करना। उसके बाद ये बोल रहा है सेकंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मड बाय द आर्क, ये जो सेक्टर बन गया इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ये भी मैं छोड़ रहा हूं, ये भी करना अपने आप। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपको सेगमेंट, इसके सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया बताना है। तो बेटा इसके लिए भी हिंट देकर छोड़ रहा हूं, आप देखो OABE एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, OAB एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, बिकॉज यहां पर ये 21 है और ये 21 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इन साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो बेटा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स, बताओ। यस सर। ठीक है, और आप अब इन सभी एंगल्स का सम करिए, x plus 60 degree is equal to 180 degree एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, x plus 60 degree 60 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो OAB क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। अब छोड़ दूं करोगे? यस सर। भाई ट्रायंगल का एरिया निकालना ही तो मुश्किल है ना बस, तो अब पता चल गया कि ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल इक्वल, दो साइड 21 21, तो तीसरी साइड भी 21 ही होगी क्योंकि सारे एंगल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इनटू 21 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब आप सेक्टर का एरिया निकाल ही चुके हो, सेक्टर के एरिया में से आपको ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, बताइए, छोड़ दूं? यस सर। जी सर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में देखिएगा क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 पे जैसा ही है, करिएगा आप अपने आप, मैं बस टेबल बनाकर एक बार समझा रहा हूं। ये सर्कल दे रखा है और इस सर्कल में उन्होंने बोला कि सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर और जो एक कोई कॉर्ड है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ए बी ये कॉर्ड है, ए बी ये सेंटर पर एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये भी 50, ये भी 50, तो आप समझ जाओ जो बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो बेटा ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ। तो ये मेरा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, तो ये तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, तो उससे आप एरिया निकालोगे ट्रायंगल का और सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करो तो माइनर सेगमेंट आ गया। फिर इन्होंने मेजर सेगमेंट भी पूछा है, तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका मेजर सेगमेंट भी आ जाएगा, छोड़ दूं? हां जी सर।
और क्वेश्चन नंबर सेवन में आप cos 60 और sin 60 करके करेंगे। मैं ये क्वेश्चन सेवन तक छोड़ रहा हूं, ये आपको करना है। होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सेवन तक ये आपको करना है, ठीक है? बस जी इतना ही करिए। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, अगर आप लोगों की कल की स्कूल की छुट्टी है तो कल क्लास थोड़ा जल्दी रख लें। सर नहीं, कल मेरा एग्जाम है। अच्छा एग्जाम है कल? थैंक यू सर। बाय सर। ओके जी, ओके।